अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आशमास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल दाल तड़का की रेसिपी, जो कि आप चावल से और या फिर रोटी पराठे किसी से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी चने की दाल ली है छोटी कटोरी से, और 1 कटोरी हम यहाँ पर अरहर दाल लेंगे। तो इसी से हम बहुत ही बढ़िया दाल बनाएंगे। अब इसको आप अच्छी तरह से धो लीजिए और तकरीबन आधे घंटे के लिए सो करके रख दीजिए, इससे दाल जल्दी से गल जाती है। और आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो दाल देखिए अच्छी तरीके से फूल चुकी होगी। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, नमक स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल दें, 1/2 चम्मच हल्दी इसमें डालेंगे और पानी डाल देंगे। तो आप 3 से 4 हिस्सा पानी इसमें डाल दें, और तेज़पात, 2 तेज़पात हमने डाल दिए, तेज़पात के पत्ते, और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। इससे दाल बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर इसको प्रेशर कुक कर लेंगे गलाने तक। और जब दाल परफेक्टली गल जाए, यानी कि 1 प्रेशर आने के बाद आप 10 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाइए। उसके बाद प्रेशर रिलीज़ होने के बाद आप चेक करेंगे तो दाल अच्छी तरीके से आपकी गल जाएगी। तो इतना हमने दाल को कुक कर लेना है। यहाँ पर देखिए खड़ी भी है और गल भी चुकी है। और अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई में या पैन में देसी घी डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर इसको हम मेल्ट होने देंगे। जैसे घी गर्म हो जाएगा इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा क्रैकल होने के लिए डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। उसके बाद 1 कटोरी प्याज, यानी 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ है वो डालकर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें पिंकिश फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क हम यहाँ पे प्याज को नहीं करेंगे। और 4-5 हरी मिर्ची या फिर जो लाल मिर्ची हो जाती हैं वो आप काट कर डाल सकते हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा, और 3-4 कली लहसुन की ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए कच्चापन निकल जाए जब तक। और 1/2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि मसाले यहाँ हमने दाल में नहीं डाले, ऊपर से लगाए हैं। और यहाँ पर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज कट करके डाल देंगे और इसको लगातार भून लेंगे। यहाँ पर हम नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो नमक यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि नमक हम दाल में ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो तड़के के हिसाब से यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने डाल दिया है गरम मसाला। और इन सब चीज़ों को भून लेंगे। पानी डालकर हम थोड़ा सा अच्छे से इसको कवर करके पका लेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुन जाए। और जब देख सकते हैं कि पानी जो हमने डाला था सब जल चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला परफेक्टली भुन चुका है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें से मसाला ये निकाल लेंगे, और अब दाल को इसमें डाल देंगे। दाल को हम अच्छी तरह से यहाँ पर चला लेंगे, और इसके लिए हम ऊपर से तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून घी फिर से डाल देना। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, और उसको आप गर्म होने दें। और दाल की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर चेक कर लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला और ऐड ऑन कर देंगे, और यहाँ कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा कटा हुआ इसमें हरा धनिया डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्ची इसमें डाल दें, और इसको वापस से ढक दें। अब यहाँ पे घी गरम हो गया है, इसमें हम ज़ीरा, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे, 2 खड़ी मिर्ची डाल देंगे, और ये तड़का तैयार है। अब जो मसाला हमने बचाया था वो मसाला भी हम इस तड़के में डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची लगभग 1 चम्मच आप इसमें डाल दें, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर दाल में दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो अगर आपको दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे तो आप पानी खौला कर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। तो ये आप देख लें आपको कैसे गाढ़ी पतली दाल खानी है। अगर पतली लग सकती है तो आप हमेशा पानी खौला कर इसमें डालें, तो आपकी दाल की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। ऊपर से इसमें तड़का ऐड करें, और ये मज़ेदार सा दाल तड़का तैयार है, जो ढाबा स्टाइल दाल से भी बेहतर लगेगा। तो चलिए अब इस दाल को सर्व कर लेते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।